नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम कुकुरबिट्स के एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू कुकुरबिट्स में जो लगता है वो एक फंगस से होने वाला रोग है जिसका जो साइंटिफिक नेम स्यूडो पेरनोस्पोरा क्यूबेंसिस है। अब आप देखते हैं कि इस रोग को इसमें क्योंकि बहुत सी सब्जियां होती हैं कुकुरबिट्स में तो कई प्रकार के गार्ड्स होते हैं तो कुछ गार्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है तो वो कौन से हैं। पहला है स्पॉन्ज गार्ड जिसका जो बोटेनिकल नेम लुफा साइलेंड्रिका है। दूसरा जो है उसको कहते हैं रिज गार्ड जिसका जो बोटेनिकल नेम लुफा एक्यूटेंगुला है। उसी प्रकार से जो तीसरा मस्क मेलन इसका बोटेनिकल नेम कुकुमिस मेलो और जो चौथा कुकुम्बर है जिसका बोटेनिकल नेम कुकुमस सेटाइवस है। तो ये चार जो कुकुरबिट्स हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में ये डाउनी मिल्ड्यू लगता है। इसके अलावा कुछ और हैं जिसमें ये कम अटैक करता है। उनमें जो है वो बोटल गार्ड जिसका बोटेनिकल नेम लेजिनेरिया सेरेरिया और बीटल गार्ड मोमोर्डिका चरंसिया। उसी प्रकार से स्नेक गार्ड जिसका बोटेनिकल नेम ट्राइकोसेंथिस एनग्यूना है और जो पंपकिन है उसका बोटेनिकल नेम कुकुरबिटा मैक्सिमा या फिर कुकुरबिटा मोस्चाटा या मोस्काटा है। और जो आखिरी है वो वाटरमेलन सिट्रुलस लेनेटस है। तो ये जो आपने पांच देखे इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो है कम लगता है जो हमने पहले देखे उनकी अपेक्षा में। अब हम समझे कि खेत में ये रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और क्या इसके लक्षण हैं। तो इसके लक्षणों में सबसे पहले पत्ती के ऊपर आपको जो पीले कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये पीले कलर के धब्बे और यहाँ तो इस प्रकार से पीले कलर के धब्बे आपको पत्ती के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब ये ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं धब्बे तो क्या होता है जो इनका सेंटर है वो ब्राउन भूरा कलर में बदल जाता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेंटर ब्राउन कलर का हो गया। ये जो सराउंडिंग एरिया चारों तरफ का एरिया है वो पीले कलर में ही दिख रहा है। और जो पत्ती का निचला सतह है वहाँ पर आपको जो बैंगनी भूरे कलर वाइट भूरे या फिर बैंगनी कलर के आपको जो संरचना देखने को मिलेगी वो आपको स्पोर्स होते हैं। तो इसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये पेच है एक और उसी प्रकार से जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये इसके स्पोर्स हैं। उसमें भी मुख्यतः से जो स्पोरेंजियो फोर और स्पोरेंजिया होते हैं। इस रोग में जो पीले कलर के धब्बे आपने देखे वो एंगुलर टू नन एंगुलर होते हैं। एंगुलर का मतलब ये है कि ये कोण के आकार के देखने को मिलेंगे। इसमें एंगल इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर ये इसकी वीन्स हैं तो इनमें वीन्स होने के वजह से इसका जो डिजीज का सिम्टम है वो इनके बीच में ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखो आप ये पीला है तो ये वीन्स के अंदर ही रहता है। तो जिस प्रकार से वीन का आकार होता है उसी प्रकार से इसमें धब्बों का आकार होता है। तो जहाँ पर वीन्स एंगुलर शेप में होते हैं वहाँ पर इनका धब्बा एंगुलर होता है और जहाँ पर नहीं एंगुलर शेप का होता है वहाँ एंगुलर नहीं होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे आप इसको पहचान सकते हो कि ये डाउनी मिल्ड्यू है। जो इस पे नीचे आपको ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है पूरे में ये सिर्फ स्पोर्स हैं और जो आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे। पत्ती के ऊपरी सरफेस पे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे ये जो सिम्टम है एडवांस कंडीशन में जाएंगे जैसे सिम्टम बढ़ेंगे तो क्या होगा जो नेक्रोटिक लिजन बनाएगा। नेक्रोटिक लिजन का जैसे मतलब ये चारों तरफ पीला पीला एरिया है
और बीच में हमने देखा था ग्रे एरिया था, तो जो ग्रे एरिया है यहाँ के टिश्यू डाई हो जाते हैं। तो जब ये टिश्यू डाई हो जाते हैं तो उस एरिया को या उस जो लिजेंस है उसको हम बोलते हैं नेक्रोटिक लिजेंस। इसी प्रकार से जो पत्ती इन्फेक्टेड पत्ती है, जैसे ये पूरी पत्ती है, ठीक है, तो ये पत्ती क्या है, ये जमीन में टूट के गिर जाएगी, क्योंकि ये पूरा इन्फेक्टेड पत्ती हो जाएगा तो उसी वजह से ये गिर जाता है। और प्लांट क्या है, बौना हो जाता है, मतलब उसकी जो वृद्धि है वो कम होती है, और बाद में क्या होता है, पूरा पौधा जो है डाई हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये एक पत्ती से दूसरे पत्ती, दूसरे पत्ती से तीसरे पत्ती और पूरे पौधे में फैल जाता है। जब पूरे पौधे में फैल जाएगा तो पूरा पौधा क्या है, डाई हो जाता है। इसमें जो फ्रूट होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और अगर मैच्योर भी होते हैं तो उसका टेस्ट जो है बेकार होगा। जैसे आपने मस्क मेलन और वाटर मेलन है, ठीक है, तो ये वैसे मीठे होते हैं खाने में, मगर अगर ये लोग रोग लगा होगा डाउनी मिल्ड्यू, तो वो खाने में थोड़ा अलग प्रकार का लगेगा, इसी वजह से उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। ये कुछ रहा इसके सिम्टम के बारे में। अब इटियोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, तो इटियोलॉजी में हम मुख्यतः इसके जो फंगस है, फंगस में कौन कौन संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले हम ये जाने कि ये फंगस होता कैसा है। तो ये फंगस जो है ऑब्लिगेट नेचर का होता है। ऑब्लिगेट नेचर के वो फंगस कहलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही अपना जो जीवन यापन कर सकते हैं, इसी कारण उनको ऑब्लिगेट कहते हैं। इसमें जो माइसीलियम बनता है उसका जो कलर है वो हाईलाइन होता है, हाईलाइन मतलब पारदर्शी, और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक का मतलब कि सेप्टा पाए जाएंगे जो माइसीलियम है उसमें, और इंटरसेलुलर मतलब दो सेलों के बीच में ये ग्रो करता है, और उंगली के समान इसमें हास्टोरिया बनते हैं। हास्टोरिया एक स्पेशल प्रकार की संरचना होती है फंगस में बनती है, जो कि न्यूट्रिएशन होस्ट से अपना लेती है। तो हास्टोरिया के ही द्वारा जो पैथोजन है वो प्लांट से या जो होस्ट है उससे अपना जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। उसके अलावा जो स्पोरेंजियोफोर है वो लंबा होता है, ब्रांच डाइकोटमसली होता है, अभी बताएंगे डाइकोटमसली क्या होता है। और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये स्टोमेटस है, जैसे पत्ती जो हमने देखा था तो पत्ती के निचले सतह में जो स्पोर दिख रहे थे ना, उसी स्पोर के स्टोमेटा से ये बाहर निकलता है, तो इसीलिए कहते हैं इमर्ज थ्रा स्टोमेटा। अब हम जानते हैं कि जो ये ब्रांच डाइकोटमसली क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये स्पोरेंजियोपोर है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये दो भागों में डिवाइड हो गया, और यहाँ आके फिर ये क्या, दो भागों में डिवाइड हो गया, उसी प्रकार से यहाँ आके दो भागों में डिवाइड हो गया, इसीलिए हर बार ये दो दो भागों में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइकोटमसली। और इसके अलावा इसमें क्या बनता है, स्पोरेंजिया बनता है, तो स्पोरेंजिया जो है भूरा टू ओलिवेसियस पर्पल कलर का होता है। हमने देखा था जो निचली सतह पर पत्ती के जो धब्बे पड़े थे वो पर्पल ग्रे पर्पल कलर के थे, वो इसी के वजह से थे, क्योंकि निचली सतह पर स्पोर ही बनते हैं और इन्हीं स्पोर्स के कारण उनका जो कलर ग्रे पर्पल था। और ये क्या होता है, ये इस पे पतली सतह होती है, मतलब जो इसका स्किन होगा या फिर जिससे कवर होता है स्पोरेंजिया वो पतला होता है। और इसमें क्या होता है, डिस्टिल पेपला पाया जाता है, मतलब जैसे ये जो स्पोरेंजिया है मान लो इससे लगा था, तो ये जो यहाँ पर आप उभार देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं पेपला। तो इसी को, इसके होने से क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिल्ड पेपला। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जू स्पोर बनाएगा, जैसे स्पोरेंजिया है वो जर्मिनेट करता है और जू स्पोर बनाता है, और ये जू स्पोर बाइफ्लैजिलेट होता है, मतलब इसमें दो मूछें पाई जाएंगी, एक इस प्रकार से या एक इस प्रकार से, या फिर दोनों एक ही तरफ हो सकते हैं। कुल मिला के इसमें दो प्रकार के जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइफ्लैजिलेट। दूसरा है इसका सेक्सुअल साइकिल। वैसे जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसमें दोनों साइकिल्स देखने को मिलती हैं, मगर यहाँ पर क्या है, जो कुकुरबिट्स डाउनी मिल्ड्यू है स्यूडो पेरनोस्पोरा क्यूबेंसिस, इसके केस में वो स्पोर इसमें नहीं पाया जाता है, इंडिया में तो ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा
नहीं पढ़ते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि इसकी डिजीज साइकिल में क्या क्या है और किस प्रकार से ये खेत में फैलता है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। तो ओब्लिगेट पैरासाइट होने के वजह से ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव कर सकता है, सॉइल में परपेचुएट नहीं कर सकता है, या सॉइल में नहीं रह सकता है, जमीन में नहीं पड़ा रह सकता है, वो स्पोर नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका कोई खास जो सोर्स इनाकुलम के काम में आता नहीं है कि ये आके और रोग फैलाना शुरू करे। हाँ, जो रोग फैलाता है वो इसके स्पोर्स फैलाते हैं, स्पोर में खासकर स्पोरेंजिया। जैसे आपने एक अपनी फसल लगाई है कुकुरबिट्स की, जैसे मान लो कद्दू का ही लगाया है, तो कद्दू के आपके जैसे पड़ोस में कोई पेड़ लगा है या फसल लगी है, तो वहां से एयर करंट के द्वारा, मतलब कि हवा के द्वारा स्पोर्स उड़ के आपकी फसल पे गिरेगा, और जो आपकी फसल पे गिरेगा तुरंत वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद वो आगे फिर इन्फेक्शन शुरू करेगा। तो इस प्रकार से जो स्पोर्स है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम काम करता है, और जिसके द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाया जाता है। और ये जो स्पोर है, स्पोर पत्ती पे गिरता है और जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाता है, जू स्पोर बनाता है। और जू स्पोर क्या है, होता है जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद ये क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है। और प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा करता है, ये जो स्पोर है ये प्राइमरी इन्फेक्शन का को करने में सहायक होता है, जबकि जू स्पोर जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाता है। और ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्रीन हाउस में ये स्पोर जो है एक पौधे से दूसरे पौधे पे आसानी से और बहुत तेजी से फैलते हैं। उसमें ये एयर करंट, मतलब कि हवा के द्वारा भी एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाएंगे, या फिर आप कोई टूल्स लिए हैं, टूल्स मतलब हंसिया हो गया, या फिर और कोई टूल्स है जिसके वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा, या आप ग्रीन हाउस में हैं और वहां देख रहे हैं अपनी जो कुकुरबिट्स है उसकी फसल को, तो उससे भी आपके जो क्लोथ हैं, कपड़े से भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका डिजीज साइकिल चलता है। और जैसे जब ऑफ सीजन होता है तो ये किसी न किसी पौधे के ऊपर सर्वाइव करता है, और जब अगली फसल लगती है तो उस पौधे से एयर करंट के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा स्पोर्स एक पौधे पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। तो वो जो हेल्दी पौधा है वो इन्फेक्टेड पौधे से आया हुआ स्पोर्स के द्वारा इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा इसका साइकिल काम करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।